मैट्रिक का एग्ज़ाम पेपर होने में काफ़ी ही कम समय बचे हुए हैं। ऐसे में ज़रूरी है हमें ऐसे प्रश्न को जानना जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का बताएंगे ऐसा इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों पहला सवाल ये पूछा गया है कि बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। मैट्रिक का एग्जाम पेपर में यह एक ऐसा सवाल है जो हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके भी एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि दी गए बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा कि यदि वो दोनों संख्या प्लस में दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपका प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, यदि दोनों माइनस में दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। यदि कोई बिंदु पहले माइनस हो और बाद में प्लस हो तो समझ लीजिए कि वह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, और कोई भी बिंदु यदि पहले प्लस हो और बाद में माइनस तो वह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश यानी चतुर्थ पाद में स्थित होता है। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पहले आपका -3 है, उसके बाद में +5 है। पहले माइनस बाद में प्लस किस में होता है दोस्तों, तो ये द्वितीय में होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन बी और ए और डी में अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन सी में देखेंगे तो 2√3/√3 दिया गया है। जब हम √3 को √3 से कटा देते हैं तो प्राप्त संख्या 2 होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख भी सकते हैं, और Q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। दोस्तों याद रखिएगा, द्विघात का मतलब ही होता है दो घात वाला समीकरण, यानी द्विघात बहुपद में घातों की संख्या 2 होती है, रैखिक बहुपद में घातों की संख्या 1 होती है, तो वहीं पे त्रिघात बहुपद में घातों की संख्या 3 होती है। ये सभी क्वेश्चनों को याद करके ही एग्ज़ाम पेपर देने जाइएगा तो आपको एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करने में काफ़ी ही आसानी होगी। देखिए कहता है कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होगा, तो 2 होगा, है ना जी। उसके बाद में कहता है कि साइन स्क्वायर 45° + cos² 45° का मान क्या होगा। देखिए एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में, वह होता है sin²θ, प्लस में होता है दोस्तों cos²θ = 1। तो यहाँ पर दोनों में थीटा का मान समान है, तो इस फार्मूला के माध्यम से बनाएंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब 1 हो जाएगा, या आप मान रखकर भी बना सकते हैं, यानी sin 45 का मान 1√2 होता है, इसका हम स्क्वायर करेंगे। cos में 45° का मान भी 1√2 होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 1 + 1। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 1 और 1 2 होता है और 2/2 है, जब कटाएंगे तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन का सही जवाब 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 कहता है कि पाई है, यानी पूछा गया है कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या। आप सभी को बता दें कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई की बात की जाए या π/2, π/3 या π/4 की बात की जाए, प्रत्येक स्थिति में यह एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान दोस्तों 22/7 होता है, तो 22/7 की बात करेंगे तो यह आपका परिमेय संख्या होता है, लेकिन केवल पाई का मान ना देकर केवल पाई पूछा जाएगा तो ये अपरिमेय संख्या हो
हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन सात को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सात कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का एक शून्य क्या हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों का शून्य ज्ञात करेंगे। तो दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन यानी प्लस टू एक्स को हमें ऐसे दो संख्या में तोड़ देना है कि जुड़ेंगे या घटाएंगे तो प्लस दो आना चाहिए, गुना करने पे एक आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस एक्स और प्लस एक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि एक्स में एक्स को ऐड करेंगे तो प्लस दो एक्स हो जाएगा और एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी वन भी आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए दोनों में एक्स कॉमन मिल रहा है तो दोस्तों एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस वन हो जाएगा। यहाँ से यदि हम वन कॉमन करते हैं तो यहाँ पर भी एक्स प्लस वन होगा। हम क्या करते हैं, एक्स और ये वाला प्लस वन को एक साथ लिखते हैं, ठीक है जी। और ये दोनों में उभयनिष्ठ होता है, दोनों में से किसी एक को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन। मैथमेटिक्स का नियम आप सभी जानते होंगे कि जब एक्स प्लस वन बराबर जीरो लिखेंगे तो ये एक्स बराबर क्या होगा जी, प्लस वन बराबर के उधर जाकर माइनस वन हो जाएगा। इसे हमें ये पता चलता है कि इस बहुपद का एक शून्य का जो मान होगा वो माइनस एक होगा और माइनस एक ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन नंबर सात का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन आठ कहता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, इस वृत्त पर हम इस प्रकार से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस वृत्त पर हम अनंत यानी अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जिसका हम कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन इसी सवाल को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब दो हो जाएगा। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नौ को देख लेते हैं। क्वेश्चन नौ कहता है कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। दोस्तों आप पिछले वाले कक्षा में ही पढ़ चुके होंगे कि परिसर ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों परिसर ज्ञात करने का आसान फार्मूला उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। देखिए उच्च सीमा यानी अधिकतम संख्या कितना है जी, तो यहाँ पर 30 है तो हम 30 लिखेंगे। निम्न सीमा का मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 9 दिया गया है तो हम यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। अब देखिए उच्च सीमा का मान 30 था, निम्न सीमा का मान 9 है और 30 में से जब हम 9 घटाते हैं तो प्राप्त संख्या 21 हो जाता है और 21 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद में हमसे त्रिकोणमिति का एक फार्मूला पूछा गया है कि साइन इंटू 90° माइनस थीटा बराबर क्या होता है। दोस्तों त्रिकोणमिति का फार्मूला कहता है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं और कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कॉस थीटा। उसके बाद में कहता है किसी घटना ई के लिए पी इंटू ई प्लस पी इंटू ई डैश इजकल टू क्या होगा, यानी किसी घटना होने और किसी घटना न होने की प्रवृत्ति का योग जो होता है वो कितना होता है। दोस्तों एक होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एक। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुला क्या होगा। दोस्तों बहुला का परिभाषा ही कहता है कि अधिकतम बारंबारता का मान को बहुला कहते हैं, यानी वो कोई ऐसी संख्या जो आंकड़े में बहुत ही ज़्यादा बार देखने को मिले वहीं आपका बहुलक होता है। इस आंकड़ा में देखेंगे तो 11 एक ऐसी संख्या है जो इस आंकड़े में 3 बार आई है। 3 बार या 3 बार से ज़्यादा बार आने वाली कोई अन्य संख्या ना होने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी 11। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद ना होने का टर्म कंडीशन जान लीजिए, कोई भी अल्फाबेट का ए से लेकर जेड तक का अक्षर यदि रूट में हो, यानी रूट में ए से लेकर जेड तक का कोई भी अल्फाबेट हो वह आपका बहुपद नहीं हो सकता है। कोई भी आपका चर यानी ए से लेकर जेड तक संख्या बटा में दी गई हो बहुपद नहीं हो सकता है।
कोई भी बहुपद के पावर में जैसे 1/2, 3/2 ऐसे करके दिया गया हो तो ये आपका बहुपद कतई नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में देखेंगे तो ये द्विघात बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है, यहाँ पे भी द्विघात बहुपद है। लेकिन ऑप्शन सी में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 1/1/2 देने के कारण ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 3x^4 × 1/2 + 3 ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देख लीजिए, sin 35° / cos 55° का मान क्या हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि sin 35° दिया गया है तो हम लिखेंगे sin 90 - 35, तो 90 में से 35 कटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे 55 हो जाएगा, है ना जी। अब नीचे दिया गया था cos 55, इसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखिए साइन का फॉर्मूला कहता है कि sin 90 - θ = cos θ होते हैं, और थीटा का तो मान दोस्तों 55° था तो हम यहाँ पर 55 लिख लेंगे। उसके बाद में नीचे भी हमारा था cos 55, जिसे हम लोग सेम टू सेम उतारे थे। अब देखिए cos 55 से cos 55° एक मरतबे कट जाएगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी एक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए कि ap-3, -1/2, 2 का ग्राहवा पद क्या हो जाएगा। दोस्तों ग्राहवा पद ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला, a + 11 - 1 कम करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसके साथ डी लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें चाहिए ए का मान, तो ए को तो हम लोग प्रथम पद कहते हैं, जो कि यहाँ पे -3 दिया गया है तो हम -3 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 10 × d का मान, d का तो मान हमें मालूम नहीं है, d को हम लोग सार्वअंतर कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सार्वअंतर ज्ञात करेंगे, यानी d ज्ञात करेंगे। अब देखिए d ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है a2 - a1। दोस्तों a2 का मान की बात करें तो -1/2 दे रखा है तो -1/2 लिखेंगे, माइनस में a1 का मान, और a1 का मान यहाँ पे -3 है तो माइनस और माइनस मिलकर +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बट्टा का जोड़ बनाएंगे, 2 और 1 कैल्शियम यहाँ पे 2 होता है। इसके बाद में हम इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 में 1 से ना करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, 3 में 2 से ना करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। दोस्तों -1 + 6 मिलकर ये 5 होता है और 2 होता है, यानी डी का मान 5/2 आया है, तो हम यहाँ पर डी के बदले में 5/2 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का करेगा कि 10 को काट देगा, 5 × 2 = 10, उसके बाद में यहाँ पे बचेगा -3 + 5 में 5 में करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि -3 + 25 मिलकर कितना होता है जी, तो 22 होता है ना। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, 22। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 कहता है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा। दोस्तों मूलों का गुणनफल ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला एक होता है, α×β = c/a। α×β क्या होता है जी, c/a होता है। अब देखिए a का मान आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, b का मान -4 हो जाएगा, c का मान यहाँ पे 1 होगा, तो c के बदले में हम यहाँ पे 1 लिखने वाले हैं। a का मान दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 है तो 4 लिखेंगे, यानी α×β अर्थात c/a का मान 1/4 हो जाएगा, और 1/4 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 कहता है कि एपी का पहला पद ए और सार्वअंतर डी है, तो इनवा पद का योग क्या हो जाएगा। यहाँ पे इनवा पद का योग पूछा गया है, तो इनवा पद यानी SN का फॉर्मूला पूछ लिया गया है। यह फॉर्मूला होता है n/2 × होता है 2a + n-1 × d होता है, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो n/2 × 2a + n-1 × d किस में दिया गया जी, तो ऑप्शन डी में दिया गया है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, n/2 × 2a + n-1 × d। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 18 कहता है 1/√3 = क्या हो जाएगा। देखिए 1/√3 किसका मान है, चलिए बारी बारी से तमाम ऑप्शनों को टच करते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया sin 30, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, ये √3 के बराबर नहीं हो सकता है। 10 में 3d का मान 1/√3 होता है, और यही क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 किसके बराबर होगा जी, तो 10 3d के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल करता है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3π r² होता है, और गोला का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 4π r² होता है, ये भी याद रखिएगा।
उसके बाद में कहता है कि यदि रूट अंडर दो कॉस थीटा बराबर एक हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो हम ऐसे बनाते हैं, केवल लिखेंगे कॉस थीटा बराबर वन, यहाँ पे रूट अंडर टू गुना में दिया गया तो ये भाग में हो जाएगा रूट अंडर दो। अब देखना होगा कि कॉस में कितना डी का मान एक बटा दो होता है, तो दोस्तों मान सारणी याद की रहे होंगे तो याद होगा कि कॉस में 45 डी का मान एक बटा रूट अंडर दो होता है ना जी। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 45 डिग्री। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर मैट्रिक कक्षा में जो भी सब्जेक्ट में आपको कठिनाई हो, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को जरूर ऐड कीजिए। आगे आने वाली वीडियो में आपके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।